खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट के दो स्कॉर्पियो गाड़ी धनबाद से बरामद। हजारीबाग जिला के बरखट्टा गोड़हर थाना क्षेत्र से लूट की गई दो स्कॉर्पियो गाड़ी को गोड़हर पुलिस ने 5 दिन के भीतर धनबाद से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। वहां लूट से सरगना खिरोदर साव उर्फ गुलाब कुमार पिता वीरेश्वर साव बढ़िया हजारीबाग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोड़हर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एक बढ़िया SDPO मनीष कुमार ने बताया कि हरियाणा रोहतक के जसबीर सिंह ने ऑनलाइन ऑक्शन में सफ़ेद रंग की दो स्कॉर्पियो गाड़ी धनबाद से खरीदी थी। वह अपने ड्राइवर द्वारा दोनों वाहनों को हरियाणा ले जा रहा था। इसी बीच 2 जुलाई को गोरहर थाना क्षेत्र के पतालसुर पुल और बंढा सिंघा मोड़ के निकट दोनों वाहनों को लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने चालकों को जमुनिया घाटी जंगली के समीप उतार कर दोनों स्कॉर्पियो को धनबाद की ओर ले गया। यह घटना 2 जुलाई की बताई जाती है। लूट की घटना के बाद स्कॉर्पियो मालिक गोरहर थाना पहुंचे। वहां चालक कर्ण सिंह के लिखित आवेदन पर गोरहर थाना कांड संख्या 28/20 दिनांक 5/7/2020 धारा 392 भादवी अंकित कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना को लेकर SP हजारीबाग ने SDPO मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। SDPO ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के कुशाल दिशा निर्देश पर SDPO मनीष कुमार के प्रभावशाली देखरेख में महज 48 घंटे में कांड का उद्भेदन किया गया। तो उसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें इंस्पेक्टर बरखट्टा थे, थाना प्रभारी गोरहर थे, एक PSI थे बरखट्टा के और एक ASI बरखट्टा थाना के। इस टीम ने एक अच्छा काम किया है जिसमें दोनों स्कॉर्पियो को रिकवर किया गया है और साथ ही एक जो मुख्य अपराधी है जो इस षड्यंत्र में शामिल था और लूट की घटना में शामिल था उसकी गिरफ्तारी। और कितने लोग हैं इसमें? इसमें और 3 लोग हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा और षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है इनकी जांच की जा रही है और जांच में जिन लोगों को पाया जाएगा, जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। स्कॉर्पियो कहाँ से कहाँ जा? स्कॉर्पियो हरियाणा से, ये पंजाब, ये हरियाणा के खरीदार थे और धनबाद से उनको हरियाणा ले। इसका मुख्य सरगना सर जो इसकी गिरफ्तारी हुई है वो मुख्य सरगना, बाकी और षड्यंत्र में जो जो शामिल है उनको इस कांड को उद्भेदन करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसकी प्रशंसा खुद SDPO मनीष कुमार ने की। बरकटा से ईश्वर यादव की रिपोर्ट।